हेलो वोगो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं दिसंबर महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो लव लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस बनने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या गिफ्ट्स, क्या क्या ब्लेसिंग्स लव लाइफ के साइड से आपको मिलने वाले हैं, यही सब हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ठीक है, सो अगर आपकी राशि वो हैं यानी कि कन्या राशि हैं, वो चाहे किसी भी साइड से हो, मतलब कि नाम के अकॉर्डिंग हो या फिर मून साइन, सन साइन, लग्न राशि, नो मैटर। ठीक है, सो आपकी राशि अगर वो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव रहे एंड अगर आपके मन में कोई भी है तो उसको पॉजिटिव तरीके से याद करने की कोशिश करें, उनका नाम 3 times लें तो और भी अच्छे से कार्ड्स रेजोनेट होने के चांसेस रहेंगे आपसे। सो अगर आप एक सिंगल हो तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके लव लाइफ के साइड से आपका जो भी विश है ना उसको आप सोच सकते हो पॉजिटिव वे में। अगर आप मैरिड हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। सो हर तरीके से ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। जो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको आप क्लेम कर सकते हो, एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगा उसको जस्ट आपको धुएं में उड़ा देना है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 of Wands है एंड ओके 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, 5 of Swords, 3 of Swords, वाओ, Temperance, The High Priestess, दोनों ही मेजर अरकानास है एंड द मून, ओ माई गॉड, तीनों ही मेजर अरकानास आ चुके हैं। ठीक है, सो क्या ही बताऊं, द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर हैं 7 of Pentacles एंड द हेरोफेंट। ठीक है, सो कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। सो मुझे फर्स्ट जो एनर्जीज दिख रहे हैं वो है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत हाई है, पाइसिस की एनर्जी बहुत हाई है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाई है। ठीक है, टॉरस की एनर्जी अलग से हाई दिख रही है, फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी वर्तमान है, बट मैक्सिमम जो मुझे दिख रही है ना हाईलाइटेड हो रहा है वो है वाटर एनर्जी, इमोशनल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है ज़्यादा दिसंबर महीने के लिए। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिसंबर महीने में ना आप किसी को चाहोगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उसको पाने की कोशिश करोगे, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा ना अजीज़ होगा वो इंसान, उस इंसान के तरफ से केयर, सपोर्ट, एडमायरेशन, कहीं ना कहीं हेल्पिंग एनर्जी भी आप एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत सा डिमांड करने वाले हो एक साइड से, यस, बट कहीं ना कहीं दूसरे ही साइड में आपको ऐसा लगने वाला है कि नहीं, इस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेशन में अच्छा होना पड़ेगा, देन जाकर हो सकता है ये चीज़ें आपको मिले, इस चीज़ में आप इस चीज़ को आप हासिल कर पाओ। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है क्योंकि 5 of Wands का कार्ड कहीं ना कहीं द टेम्परेंस एंड द हेरोफेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो डिवाइन का ब्लेसिंग्स तो फुल रहेगा। अब जिस भी इंसान को लेकर दिसंबर महीने में बहुत ज़्यादा लवी डवी वे में सोचने वाले हो, जिस इंसान की तरफ आप जाने वाले हो, अट्रैक्टेड फील करने वाले हो ना, वो इंसान आपकी किस्मत में है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, वो इंसान आपका सोलमेट है, ट्रू लाइफ पार्टनर है, बट कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है कि आपको बाहर के लोगों के साथ थोड़ा सा झगड़ा झमेला या फिर आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ना पड़े अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में। हो सकता है कि दोस्तों के साथ आप लिटरली कुछ झगड़े में पड़ जाओ, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं आपके दिमाग के अंदर कुछ लोचा होने वाला है, दिमाग से आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट जीत यहाँ पर डेफिनेटली होगा, आपकी किस्मत में वो इंसान है।
टेम्परस का एनर्जी एंड हेरोफेंट का एनर्जी ये बता रहा है कि लव लाइफ के साइड से सक्सेस आ रही है दिसंबर महीने में। आपका जो भी स्ट्रगल होगा, आपका जो भी एफर्ट होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको हैंड टू हैंड ही दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आपको डिलेइंग एनर्जी महसूस नहीं होने वाला है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप चाहते हो कि कोई एक दिन आपके जो पर्सन है, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान पिंक कलर की कोई ड्रेस पहन कर आए, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनको ये चीज़ कह ना पाओ या फिर कह डालो। आपके जो खामोशियाँ हैं उससे ही आपके अपोजिट के इंसान समझ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आपके जो प्रयास होगा ना इस चीज़ को लेकर, कि बातों बातों में आप उसको समझाना चाहो कि आप अगले दिन ये कलर का ड्रेस अगर पहन के आओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ये जो आपका कोशिश होगा ना, ये कहीं ना कहीं रंग लाने वाला है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका कोशिश का फल यहाँ पर दिसंबर महीने में साफ दिख रही है कि आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, कि आपका जो लव लाइफ है वो थोड़ा सा ना टफ है। वर्गोस मतलब कि कन्या राशि वालों का लव लाइफ बहुत ज़्यादा ना ईजी नहीं होता है। इस चीज़ को डेफिनेटली आपने भी रियलाइज़ किया होगा। डिवाइन आपके साथ रहेंगे इस टाइम पर। अगर आप इस टाइम पर इंट्यूटिवली काम करते हो, अपने मन को सुनते हो, तो डेफिनेटली आप सारी समस्याओं से बाहर आने के लिए सक्षम रहोगे। बट अगर आप अपने दिमाग की सुनकर काम करते हो ना, तो ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख सकते हो कि खुद का इरिटेशन का वजह आप खुद बन बैठोगे, क्योंकि इतना सारा ओवरथिंकिंग, इतना सारा नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करना, उल्टे सीधे ख्यालों को सोचना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। एंड आप खुद के ही चंगुल से कहीं ना कहीं बाहर आने के लिए, खुद को फ्री करने के लिए ना, आप लव लाइफ को साइड कर बैठोगे। ये चीज़ दिख रही है, आप इस कार्ड को देख सकते हो। फाइव जो है ना वो यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कम्युनिकेशन में दिसंबर महीने में प्रॉब्लम आने वाला है। आपको कम्युनिकेशन के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लव लाइफ के साइड से। किससे क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे मांग रहे हो चीज़ें, कैसे डिमांड कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए लव लाइफ के मामले में। आपका कोई भी बात चुप सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अपोजिट के पर्सन, जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। हो सकता है आपका इंटेंशन गलत ना हो, बट आपके अपोजिट के पर्सन अचानक से नाराज हो सकते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंच सकता है। एंड कुछ जगहों में आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपका जो इरिटेशन होगा, आपका जो मन की, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग होगा ना, वो कुछ जगहों में आपको प्रेजेंट होने से रोकेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ जगहों में एब्सेंस दिख रहे हो मुझे। एब्सेंस माइंड हो सकता है, फिजिकली आप कहीं पर एब्सेंस हो सकते हो। हो सकता है आपको किसी दिन बाहर निकलना था, डेट पे जाना था आपके पर्सन के साथ, मुलाकात करना था, या फिर कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए रेस्टोरेंट में जाना था, कुछ भी ट्रीट देना बाकी था, कुछ भी हो सकता है। तो उस दिन पर आप कुछ भी बहाना करके नहीं भी पहुंच सकते हो, तो ये चीज़ भी उनको बुरा लग सकता है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। सिचुएशन आपके हाथ में रहेगा, कुछ कुछ सिचुएशंस आप खुद संभाल सकते हो, आपके हाथ में रहेगा कि उस सिचुएशन को बेहतर बनाओगे या फिर उसको और ज़्यादा अंधेरे में ढकेल दोगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है, दिसंबर महीने में जो होने ही वाला है, आप हो सकता है दिसंबर महीने में किसी के तरफ से, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ आंसर के लिए हो सकता है आप वेट करो, कुछ चीज़ें आपने पूछा है, कोई क्लैरिफिकेशन के लिए वेट करो, या फिर कोई कुछ आकर आपसे कन्फेस करेगा, कोई आकर माफ़ी मांगेगा, या फिर कोई आपको प्रपोजल देगा। ऐसे टाइप से अगर कुछ आपके मन में भावनाएं अभी चल रहा है ना, तो ये चीज़ डिले होने वाला है, आप समझ लो। क्योंकि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ एनर्जी है ना, उसका फल दिसंबर महीने में आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर डिलेइंग एनर्जी फिर से नज़र आ रही है मुझे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हो ये एनर्जी डिले हो जाए, या फिर हो सकता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कम्युनिकेशन में गड़बड़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है मुझे। तो हो सकता है आपके जो अपोजिट के पर्सन हैं वो इस टाइम पर आपको डाउट करना स्टार्ट करे कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में चले गए हो, इनको अकेला छोड़ दिए हो, या फिर ये एनर्जी आप शो कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वो जो आपके अपोजिट के पर्सन है, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी
रिलेशन में हैं एंड आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर सकते हो दिसंबर महीने में किसी एक टाइम पर। इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा मन में डर भी लगने वाला है अपने लव लाइफ को लेकर, ये चीज़ दिख रही है। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग लव लाइफ के साइड से एकदम ही नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने दिख रहा है ना उसको ही आप सच मानो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करता है एंड वो आकर आपके सामने जता रहा है, आपसे बात कर रहा है अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से बात कर रहा है, तो आपको उसी चीज़ को सच मान लेना चाहिए। आपको और ज़्यादा डीप में जाकर ओवर थिंकिंग करके ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये इंसान इतना अच्छा अब अभी कैसे बात कर रहा है, कल तक तो ऐसा नहीं था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपको नहीं करना है। क्लियर रहो, एकदम से मन से भी क्लियर रहो, दिमाग से भी क्लियर रहो, एकदम से जितना क्लियर रहोगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा। आपके मन के जो इमोशंस हैं उसको आप व्यक्त करो। अगर किसी इंसान को अच्छा लगता है तो बहुत पॉजिटिव वे में कहो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको जो पहले ही बता दिया है। देखो यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड फिर से आ चुका है, तो डेफिनेटली एक डिलेइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से घूम रही है आपके रीडिंग के सराउंडिंग में। तो कुछ ना कुछ चीज़ें डिले होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। अगर आप दिसंबर महीने में शादी के बारे में सोच रहे थे, इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का फल आएगा उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, तो उस साइड से डिले दिख रही है मुझे। यह जनरल रीडिंग है, कुछ ना कुछ डिफर ज़रूर करेगा सभी के साथ। एंड साथ ही दिख रही हैं आपको प्लेफुलनेस में रहना चाहिए, एकदम से दिल खोल कर जीवन के जो आनंद है ना उसको उठाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर घर में बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी इंसान की तरफ से आपको इस टाइम पर दुख भी मिल रहा है तो भी आप थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करो कि वजह क्या है एक्चुअल में। क्लियर करो, जितना हो सके ना क्लियर करो, ओवर थिंकिंग मत करो। एंड और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपका जो भी आंसर है लव लाइफ के साइड से, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जो भी डाउट्स है ना, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, आपके अंदर छुपा हुआ है। आप जब भी इल्यूटेड करना चीज़ों को बंद कर दोगे, ओवरथिंकिंग करना बंद कर दोगे ना, आपका जो क्लियर माइंड है वो आपको बता देगा। हो सकता है ड्रीम के दौरान बताए, हो सकता है कि एक्चुअल में आपके मन आपसे कह दे, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड अगर डेट्स की बात करूँ तो 5 तारीख आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 13 तारीख, 3 तारीख। एंड कोइंसिडेंस की बात तो देखो यहाँ पर 5 of Wands, हेरोफेंट का नंबर भी 5 है एंड 5 of Swords, 5 का नंबर 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है गाइस, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें लव लाइफ के साइड से, ठीक है। सो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी आपके दिसंबर महीने का लव रीडिंग। सो अगर रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर देना कमेंट बॉक्स में। सो बाय।